बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों को दिलों की जीतने वाले अभिनेता विनोद मेहरा ने अपने फिल्मी सफर में कई सुपरहिट फिल्में दी। दर्शकों और उनके फैंस ने फिल्मों में उनके अभिनय को काफी सराहा भी। हालांकि बहुत कम उम्र में बॉलीवुड ने उन्हें खो दिया। आज उनकी मौत को 26 साल हो गए हैं। 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। जब विनोद मेहरा का निधन हुआ था तब उनकी बेटी सोनिया मेहरा की उम्र 2 साल से भी कम थी। 2 दिसंबर 1988 को जन्मी सोनिया विनोद और उनकी तीसरी पत्नी किरण की बेटी हैं। आपको बता दें कि विनोद ने 3 शादियां की थी। उनकी पहली शादी मीना बोरका और दूसरी शादी बिंदिया गोस्वामी से हुई थी। आज उनकी बेटी भी बॉलीवुड में अपने कदम जमाने में लगी हुई हैं। विनोद के निधन के बाद सोनिया का पालन पोषण उनके नाना नानी के यहाँ केन्या में हुआ। सोनिया की पढ़ाई केन्या और लंदन में हुई है। सोनिया ने 8 साल की उम्र में एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। इस दौरान लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स के एक्टिंग एग्जामिनेशन में उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। 17 साल की उम्र में वो मुंबई आ गईं और अनुपम खेर के इंस्टीट्यूट एक्टर प्रीपेयर्स से 3 महीने का कोर्स किया। आपको बता दें कि हीरोइन होने के साथ साथ सोनिया एक ट्रेन डांसर भी हैं। सोनिया ने साल 2007 में निर्देशक अनंत महादेवन की फिल्म विक्टोरिया नम 203 से बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म में सोनिया के अलावा अनुपम खेर, ओमपुरी, जिमी शेरगिल और जॉनी लीवर भी अहम किरदार में थे। सोनिया ने अब तक करीब 4 फिल्मों में काम किया है। उन्हें आखिरी बार फिल्म रागिनी MMS 2014 में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने तान्या कपूर नाम का किरदार निभाया था। फिल्मों के साथ साथ सोनिया टीवी पर भी काम कर चुकी हैं। MTV के कई प्रोग्राम्स, MTV ग्राइंड, MTV न्यूज और MTV स्टाइल चेक में वो बतौर VJ नजर आ चुकी हैं। Z न्यूज की रिपोर्ट।